हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं होली स्पेशल नमक पारी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में, बहुत झटपट बन जाता है। आप इसको जितनी भी मर्ज़ी चाहे, जो भी मर्ज़ी चाहे शेप दे सकते हैं। मैं तीन तरीके की आज जो शेप बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा लिया है। और इसमें जो चीज़ें लगेंगी, यहाँ पे अजवाइन लिया है मैंने 1 टीस्पून, और नमक है, और वेजिटेबल ऑयल लिया है, और पानी है। तो 2 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून अजवाइन को अच्छे से क्रश कर लिया है हाथों से, उसे मिक्स कर दिया है। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें आप। ऑयल आप बिल्कुल ध्यान से डालें। यहाँ पे 2 कप मैदे में मुझे 5 टेबल स्पून ऑयल लगा था। तो ये देखिए, बिल्कुल भी आप एकदम से सारा ऑयल नहीं डालें, एक टेबल स्पून आप डालते जाएं और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते जाएं। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपकी जो नमक पारी है बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप ये देखिए, मैं कैसे एक टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आप ऐड करें, एकदम से आप डालेंगे तो एक जगह गुठली बन जाएगी। तो इसीलिए ये देखिए, कुछ कंसिस्टेंसी इसकी ना इस तरीके से हो जानी चाहिए ताकि वो मुट्ठी बनने लगे। तो मोयन इसको कहते हैं, मोयन करना। तो जो ये देखिए, मुट्ठी में बन रहा है ये। तो टोटल ये मेज़रमेंट आप ध्यान रखिए कि 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है 2 कप मैदे में, और पानी भी जैसे मैंने ऑयल डाला है उसी तरीके से पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करें। एकदम से पानी बहुत सारा नहीं डालें, बहुत कम पानी लगता है इसको। ये 1 ग्लास लिया था मैंने इसमें, तो 3/4 ग्लास जो है इसमें बच ही गया था पानी, बहुत कम पानी लगा है। तो आप देख सकते हैं, बहुत कम पानी डाल के मैंने इसका डो तैयार किया है। बहुत ज़्यादा मसलना भी नहीं है इस डो को, 1 से 2 मिनट इनफ होता है। ज़्यादा ग्लोटी नहीं करना है इसका राइस। और ये देखिए, ये अच्छे से डो बन गया है, और ये 5 टेबल स्पून लगे हैं मैंने आपको बता दिया, और पानी इतना लगा है। अब इस डो को हम गीले कपड़े से या टिश्यू से ढक के इसे रेस्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। और फिर 5 मिनट के बाद देखिए, डो हमारा रेस्ट हो चुका है। और उसको फिर हम अपने जैसे भी आपको शेप चाहिए आप काट लें। मैंने पहले नाइफ से इसको पीसेस में कट कर लिया है। और फिर उसके बाद आप देखिए मैं कितने तरीके से इसके डिज़ाइन बनाती हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो सारे नमक पारे के शेप तैयार हो चुके हैं। ऑयल मैंने मीडियम हॉट पे गरम रखा है, और अब हम एक एक करके मीडियम फ्लेम पे अपने सारे नमक पारे फ्राई कर लेंगे। और मीडियम हमेशा फ्लेम रखें, ध्यान से इसको फ्राई करें आप।
तो लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही खस्ता से नमक पारे, डिज़ाइनर नमक पारे हमारे बनके तैयार हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करना और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।